हेलो गाइस, तो गाइस आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं हरिद्वार सोनी के मायके। सोनी 6 महीने बाद आज जा रही है अपने मायके, क्योंकि अभी की छुट्टियां पड़ चुकी हैं दशहरे की, तो सोचा 3 से 4 दिन अब हरिद्वार जाया जाए। तो गाइस हम निकल चुके थे दोपहर को 2 बजे के करीब, तो यार दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा ट्रैफिक था, तो जैसे हम दिल्ली के बाहर आए तो पूरा ट्रैफिक ही खत्म हो गया था यार। तो यार ड्राइव करते करते 2 से 3 घंटे हो चुके थे, क्योंकि दोपहर में निकले थे हम, तो यार शाम के बज चुके थे 5 और यार भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। तो अभी से ही पूछा, उसको भी भूख लग रही थी, वो भी बोल रहा था कि पापा कोई रेस्टोरेंट देख लो कोई अच्छा सा, तो वहाँ पे रुकेंगे। तो रश्यु तो सो गई थी, उसके बाद जब उठी उसे भी भूख लगने लगी, तो हमने सोचा यार चलो यार एक रेस्टोरेंट देख लेते हैं, तो वहाँ पे बैठ के कुछ खाते हैं। तो फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिला था झिलमिल फूड कोर्ट। रश्यु के सामने जब मेन्यू कार्ड रखा तो उसने बोला कि मेरे को तो फ्राइज खाने हैं, और मेरा मन तो यार सैंडविच खाने का था, क्योंकि शाम के 5 बजे फिर अभी ने भी ऑर्डर दे दिया कि मुझे भी फ्राइज खाने हैं। और जब सोनी से पूछा, सोनी कहती मेरे को तो सबसे पहले चाय पीनी, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था। तो फाइनली यार हमारा जो हमने ऑर्डर किया था सैंडविच, बच्चों के लिए फ्राइज और हमारी शाम की 5 बजे की चाय। तो गाइस आपको एक बात बता दूं, इस रेस्टोरेंट का फूड यार बहुत ही ज्यादा टेस्टी है यार, बहुत ही ज्यादा। अगर आप एक बार खाओगे तो आप यहाँ पे बार बार आओगे यार। तो यार स्नैक्स खत्म होने के बाद तो हम निकल चुके थे अपने डेस्टिनेशन में, यानी कि हरिद्वार। यार टाइम भी हो चुका था, शाम के 6 बज चुके थे और यार अंधेरा भी काफी हो चुका था। यार आप देख सकते हो शाम के बज चुके हैं 6 और अभी से अंधेरा होना शुरू हो गया है। जब तक हम हरिद्वार पहुंचेंगे तो शायद पूरा ही अंधेरा हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं अब हरिद्वार, यानी कि सोनी के मायके, और ये खड़े हैं सोनी के पापा। ये हमारा बहुत देर से वेट कर रहे थे कि हम कब आएंगे। तो यार अभी जैसी गाड़ी से उतरा तो यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपने नानू को देखकर, और रश्मीत भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, क्योंकि 6 महीने बाद मिली थी अपने नानू को। तो यार अंधेरा भी काफी हो चुका था और रात के 8 बज चुके थे, और यहाँ पे देख सकते हैं सोनी कितनी ज्यादा खुश है अपने घर आके। पूरे 6 महीने बाद आज ये अपनी मम्मी को मिलने वाली है। तो गाइस ये है सोनी की मम्मी। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस।